तो देखिए इस टाइम होने लगी है मूसलाधार बारिश। चुका हूँ सैनिक स्कूल से नीचे और तो मैं खा चला चला बढ़ता गया। दोस्तों कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। एक नए ब्लॉग के साथ मिलकर आ चुका हूँ आपका अपना भाई किसान अली। और जो आज का ब्लॉग नैनीताल के मौसम के ऊपर है, वेदर के ऊपर है, टूरिज्म के ऊपर है, और आज जो है नैनीताल में रिमझिम बारिश सुबह से ही हो रही है। तो चलो अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करते आज के ब्लॉग में, मेरे ब्लॉग में बने रहेगा करके मत देखें। तो चलिए अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और इस टाइम में खड़ा हूँ लेक के पास ही और दिखाते हैं कैसी बारिश हो रही है नैनीताल में। तो आप देख सकते हैं इस टाइम में आ चुका हूँ सैनिक स्कूल से नीचे और ये हमारी सैनिक स्कूल वाली रास्ता है। तीन रास्ता है, हाई रोड के पीछे वाली रास्ता है। तो मैं जा रहा हूँ इस टाइम ब्लॉग बनाने, तो बारिश में ही मैं ब्लॉग शूट करने जा रहा हूँ। तो आज आप पहली बार मेरे ब्लॉग में ये वाली रास्ता देख रहे होंगे। तो ये देख सकते हैं आप कितनी घासी घास हो रही है, बरसात में अक्सर घास हो जाती है। और ये देखिए ऐसी चढ़ाई होती है नैनीताल में, देख रहे हैं आप। अभी तो ढलान है क्योंकि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन जब हम ऊपर को चढ़ेंगे ना तो ऐसी चढ़ाई होती है। देखिए देख रहे हैं चढ़ाई आप लोग, तो ऐसी चढ़ाई होती है। तो इतनी चढ़ाई हम चढ़ते हैं, मेरा तो रोज़ का ही है खैर चढ़ना उतरना, पैदल ही हम जाते हैं। और बारिश इस टाइम कंटिन्यू बनी हुई है, सुबह से बारिश ही हो रही है। तो आज दिखाने वाले हैं कि बारिश में कैसा है, भीड़ भाड़ है नहीं है। तो देख सकते हैं आप लोग, तो ये हाईकोर्ट की पीछे वाली रास्ता है जो निकलती है सैनिक स्कूल, और ये हमारी पंगुट वाली रोड में भी निकल जाती है, जहाँ से आप नैना पीक भी जा सकते हैं इसी रोड से, लेकिन इसमें चढ़ाई बहुत है तो आप लोग थक जाएंगे। और ये काई देखें आप, कैसी काई जमी हुई है रोडों में, तो फिसलन भी होती है। और बारिश भी हो ही रही है इस टाइम हल्की हल्की। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नीचे। और ये हाईकोर्ट के पीछे वाली रास्ता सैनिक स्कूल जाती है, बाज़ार भी निकलती है ये। तो ये देख सकते हैं आप चढ़ाई, तो यहीं से हम रोज़ का मेरा आना जाना है। चलिए आप चलते हैं नीचे की तरफ और मिलता हूँ मैं आपसे नीचे। तो देखिए इस टाइम मैं पहुँच चुका हूँ फुटपाथ के पास, और यहाँ से माल रोड शुरू हो जाती है, मैं आपको बताते ही। तो आज लगातार बारिश ही है सुबह से, और सभी ने छाते ओढ़ रखे हैं, कितने रेनकोट ओढ़ रखे हैं। तभी हल्की सी बारिश रुकी है, लेकिन रिमझिम बारिश पड़ी रही है। तो पर्यटक निकल चुके हैं घूमने के लिए, तो अभी चलते हैं लेक की तरफ, वहाँ भी देखते हैं कि लेक में कैसा है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से छातों का नज़ारा, रंग बिरंगी अम्ब्रेला छाता देख सकते हैं आप लोग, कलरफुल। और अभी भी हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो ही रही है, तो ये देख सकते हो। और इस टाइम मैं हूँ फुटपाथ के पास ही, तो चलिए चलते हैं फुटपाथ की तरफ और देखते हैं वहाँ पे कैसा है नज़ारा। फुटपाथ यही है, लेक की तरफ चलते हैं। तो ये देख सकते हो इस तरीके से लोग घूम रहे हैं छाता लेके, और मैं भी छाता ही लेके आया हूँ ये। तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो चलिए चलते हैं लेक की तरफ, देखते हैं लेक में कैसा है नज़ारा। तो आप देख सकते हैं इस टाइम पहुँच चुका हूँ बोट स्टैंड के पास, और रिमझिम बारिश हो रही है और लोग उस रिमझिम बारिश में ही बोटिंग कर रहे हैं, सामने आपको दिख रहा होगा। और इस टाइम मैं पहुँच चुका हूँ लेक के पास। अभी मैंने आपको दिखाया कि चढ़ाई ऊपर से नीचे आने में ढलान, और कुछ इस तरीके से देखिए लोग बोटिंग कर रहे हैं ये। चलिए चलते हैं नीचे की तरफ, और यहाँ देखिए कीचड़ ईंटें लगा रखी हैं लोगों ने। तो यह फुटपाथ का नज़ारा, जो अभी सारी दुकानें बंद हैं। तो ये देख सकते हो, चलते हैं इधर की तरफ और देखते हैं। सारे पर्यटक कम, गिने चुने पर्यटक ही हैं बस, क्योंकि बारिश होती है, बारिश में लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं इस टाइम मैं लेक के पास ही आ गया हूँ बिल्कुल। देख सकता है
तो लोग जा रहे हैं बोटिंग करने, रिमझिम बारिश में भी। और ये देख सकते हैं आप लोग, और हल्की हल्की बारिश होते हुए। तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो देखिए हल्की हल्की रिमझिम बारिश की शुरुआत हो चुकी है और लोग जो छाता लेके जा रहे हैं इस टाइम आप देख सकते हैं ये बोटिंग करने। तो ये सुबह से ही रिमझिम रिमझिम कभी तेज़ ऐसी बारिश हो रही है, कल तो धूप आ गई थी, फिलहाल आज धूप नहीं आई है। तो जैसा आप देख रहे होंगे हल्की हल्की पड़ते हुए रिमझिम बारिश, तो लोग बोटिंग करने जा ही रहे हैं। देखिए सामने रिमझिम बारिश, और अभी तेज़ वाली नहीं हुई है, मूसलाधार नहीं हुई है। तो ये देख सकते हो आप लोग, तो जा रहे हैं रिमझिम बारिश में। ये देख सकते हैं आप लोग, तो नैनीताल में रिमझिम बारिश होते हुए तो ऐसे ही होता है। देखिए मैंने जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी मूसलाधार बारिश, कभी रिमझिम बारिश, कभी धूप, तो ऐसे ही होता है नैनीताल में। और वेदर पूरा ख़राब है, मौसम पूरा ख़राब है, आप देख सकते हैं बादल लगे हुए हैं पूरे चारों तरफ, कोहरा नीचे की तरफ उतरते हुए। ठीक है, आप भी आ सकते हैं इन दोनों, वैसे घूम सकते हैं जैसे ये लोग घूम रहे हैं। अगर मेरे वीडियो में एक चीज़ कैप्चर हुई है तो मछली, अभी ऊपर को उछली वो चीज़ कैप्चर हुई है तो आप लोगों ने देखी होगी। और ये लोग ये रोटी खिला रहे हैं मछली को, बहुत देर से पकड़ रहे हैं वो, देखिए रोटी डाल रहे हैं ये लोग और किनारे में आ रही थी मछली को पकड़ रहे हैं, जबकि मना है। अभी इनको देख लेगा तो इनका चालान कट जाएगा सीधे। तो ये देख सकते हैं आप रिमझिम बारिश होते हुए, तो इस टाइम मैं हूँ बोट हाउस क्लब के पास और यहाँ से आप ग्रीनरी देख सकते हैं, हरियाली ऐसा गार्डन है। और इधर से मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, ये देख सकते हैं आप ये। और निकल के गाड़ियाँ खिसकते हुए ये देख सकते हो आप लोग, और हल्की हल्की फुहारे टाइप की बरसात हो रही है। और उधर से आप कोहरा देख सकते हो, इस तरीके से नज़ारा है इधर माल रोड का, ये देख सकते हो आप लोग। अभी जैसे मैंने लेक के पास दिखाया आपको कि रिमझिम बारिश में भी लोग बोटिंग करने जा रहे हैं, पूरा बादल ही बादल है चारों तरफ। तो देखिए इस टाइम होने लगी है मूसलाधार बारिश, व्लॉग बनाते बनाते किसकी मूसलाधार बारिश होने लगी है आप देख सकते हैं ये। तो बढ़ते हैं इधर की तरफ, काफी मूसलाधार बारिश हो गई है देख सकते हैं आप। तो बारिश का तो अब ऐसे ही रहेगा, अभी देखिए रिमझिम बारिश हो रही थी और ब्लॉग बनाते बनाते इतनी मूसलाधार बारिश हो गई है देखिए। तो इस टाइम मैं आपको लेक के पास ले जा रहा हूँ और जो लोग बोटिंग कर रहे हैं उनको दिखाता हूँ कि मैं, और इतना तो मैं ही भीग चुका हूँ ये। तो ये देखिए, तो जो लोग बोटिंग कर रहे हैं वो उनके हाल वहाँ तो पूरी तर हो गई हैं। तो ये दिक्कत होती है देखिए बरसात में, इसलिए हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि आप बारिश में घूम वो आपको सामना करना पड़ेगा। अब वो आमा देखिए भीग गई है पूरी और बच्चे पूरे भीग चुके हैं। तो ये रहता है, मज़ा ख़राब हो जाता है जब बारिश पड़ती है मूसलाधार। तो ये देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है, ये देख सकते हो आप लोग एकदम ज़ोरदार बारिश। तो यही होता है, पर्यटक भी परेशान हो जाते हैं और लोकल के लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं
और ये देखिए सब भीग चुके हैं, तर हो गए बिल्कुल भीग के, और आमा भी देखिए सामने पूरी तर हो गई हैं। तो यही हमारा अपडेट देने का मतलब है मेरा कि आप लोगों के नैनीताल आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो नैनीताल में। और बहुत से लोग बैंड हाउस के अंदर भी चले गए हैं और मोबाइल की भी सेफ्टी करनी है, छाते के अंदर से मेरे पानी आने लग गया है, मैं पूरा भीग चुका हूँ। ये तो देख सकता आप किस तरीके से लेके बोटिंग करते हुए लोग फटाफट आ रहे हैं और आधे लोग तर हो चुके हैं। तो यही है बोटिंग, और कितनी बोट्स अभी भी हैं देखिए, अभी बहुत सारी बोट्स इस टाइम हैं लेक में, तो देख सकता आप अभी फटाफट आ रहे होंगे, और जिनके पास छाता नहीं होंगे वो तो पूरा तर हो गए होंगे। तो इधर देखिए आमा कैसे आ रही हैं। तो यही दिक्कतें रहती हैं बरसात में, और सारे लोग इस टाइम ये देखिए, और मछलियाँ कैसे पता नहीं ऊपर को आ रही हैं आज। ये मूसलाधार बारिश नैनीताल में, ये देख सकते हैं आप, और ये पानी देख सकते हैं आप, तो इसी से लेक भरती है। तो फटाफट से सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। तो अभी आपने देखा रिमझिम बारिश, अब देखिए मूसलाधार बारिश, तो ऐसी नैनीताल में बारिश बनी हुई है। तो हम भी परेशान, पर्यटक भी परेशान। तो कुछ इस तरीके से देखिए बोट्स उधर फंसी पड़ी हैं, फटाफट फटाफट आ रही हैं, जैसे ये आ रही हैं देखिए सामने, फटाफट फटाफट आ रहे हैं ये लोग। तो अभी जो मूसलाधार बारिश हुई उसी से इतना पानी आ गया देखिए, 10 मिनट की बारिश में, और देखिए वहाँ कितना पानी चल रहा है, थोड़ा सा वहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। अभी 5 मिनट की बारिश में देखिए ऐसा पानी चलने लग गया है, तो ये देख सकते हो आप लोग। तो इस तरीके से हो रही है नैनीताल में बारिश। यहाँ पे जब मैंने अपना ब्लॉग कंप्लीट कर लिया, अच्छा लगा अगर सुनाए तो लाइक करेगा, मेरे चैनल जिसका नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।